हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 29 मार्च 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे ढेर सारे कोर्सेज, ढेर सारी सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है बेहद ही चीप कॉस्ट में। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वाई हैज़ केरला सॉट अ रिलैक्सेशन ऑफ FRBM रूल्स। केरला ने FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में रिलैक्सेशन क्यों मांगा, रिलैक्स क्यों किया? देखो, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जो केरला पहला स्टेट था, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट जिसने 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया, ताकि जो ओवरऑल जिंदगियों पे कोविड 19 का इफेक्ट पड़ने वाला है, खास करके 21 दिन के लॉकडाउन में, वो इतना ना पड़े। कल द हिंदू के एडिटोरियल में केरला के चीफ मिनिस्टर का भी जो एडिटोरियल आया, आर्टिकल आया, उसमें उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन जो है सीरियसनेस में तो इन्फोर्स करना ही है, लेकिन हमें जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, कि इंडिया का जो है हाई शेयर है पुअर का इसके पॉपुलेशन में, मोस्ट ऑफ होम सफ़र फ्रॉम मल्टीपल इकोनॉमिक एंड सोशल डेप्रीवेशन, जिनमें से बहुत ज़्यादा तो इकोनॉमिक और सोशल डेप्रीवेशन से गुजरते हैं, वो अपनी जिंदगियों के केवल इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भरोसे चलाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे देश का 90% जो है एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हर ऑर्गेनाइज नहीं होती चीज़ें, पेंशन नहीं होती, सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं लगती, कुछ भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे 90% हमारे देश के जो लोग हैं वो अपनी जिंदगियाँ गुजारते हैं। चूँकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ना इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई इनकम फ्लो की कोई कंटिन्यूटी, कि हर महीने अगर आप छुट्टी पर भी चले जाएँ या कोई नेचुरल कैलमिनिटी भी आ जाए तो भी आपको इनकम मिलती रहेगी। तो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 100 रुपये 500 रुपये दिन के कमाते हैं। लॉकडाउन पीरियड में उनकी ज़िंदगियों को बनाए रखना बेहद ज़रूरी था। इसको देखते हुए सरकार ने, केरला सरकार ने 12,500 करोड़ का जो पैकेज है अनाउंस किया अप्रैल में ही, जो है 12,500 करोड़ का पैकेज अनाउंस नहीं किया, 20,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया, 12,500 करोड़ और लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना, कि ऐसे तो हर सरकार मन मर्जी से, कोविड 19 नहीं भी हो तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके लोगों पे लगा सकती है, ताकि लोग जो है बदले में वोट दें, कर सकती है। तो इस पे पाबंदी लगाने के लिए, क्योंकि देखो, आज अगर सरकार किसी से लोन लेगी, बाहर से डेप्ट उठाएगी, तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, और ब्याज इस जनरेशन को तो नहीं, इस जनरेशन को तो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को इसको जो है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज जो है आगे वाली आने वाली जनरेशन चुकाएगी, और आगे आगे आने वाली बजट में से वो पैसा काटा जाएगा। तो 12,500 करोड़ का यहाँ पर रिलैक्सेशन मांगा है, कि 12,500 करोड़ जो है हम यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। अब देखा जाए तो 12,500 करोड़ जो है केरला के लिए, अगर आप टोटल में बात करूँ बजट डेफिसिट की, तो जो परसेंटेज केरला ने डिसाइड कर रखा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और 12,500 करोड़ तो इस साल है, 12,500 करोड़ और जो है ये थोड़े महीनों बाद फिर मांगेंगे। तो सेंटर से परमिशन मांगी है कि हमको जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमको रिलैक्सेशन दो, हमको ये करने दो, फिस्कल डेफिसिट हमको तोड़ने दो, ताकि हम जो है आगे बढ़े। FRBM एक्ट 2003 में आया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ताकि लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इंटर जनरेशनल इक्विटी जो है वो बनी रहे। दूसरे शब्दों में, देश के जो प्रशासन में आज जो लोग बैठे हैं, देश की जो सरकार है, देश के जो राजा हैं, वो कंट्री के फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करें, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो कमाई हो, कि आज जितना खर्चा हो ऐसा नहीं हो कि उसका बोझ जो है वो आगे आने वाली जनरेशन पे पड़े। कि आप जो है वर्ल्ड बैंक से और बॉन्ड से डेप तो उठा रहे हो बॉन्ड इशू करके, लेकिन ब्याज तो आगे आने वाली जनरेशन को चुकाना पड़ेगा, तो इतना ही लो जितना चुका पाओ, स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बना रहे। इसको अचीव करने के लिए ये एक्ट लाया गया 2003 में, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेप्ट और डेफिसिट को लिमिट कर दी, कि इतना ही आप ले सकते हो। जब सुनते हो ना फिस्कल डेफिसिट 3.3% तक लेके जा सकते हैं, 3% तक लेके जा सकते हैं, वो यही है और कुछ नहीं है। और
ट्रांसपेरेंसी भी जो है इसमें लाने की कोशिश की गई। जो जुलाई 2004 से ये जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया और तब से जो है गोल भी आने शुरू हो गए बजट में कि एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट आने लगी कि इतना जो है गोल है हमारा 3 साल के अंदर, कितना इसके अंदर ही हमको रखना है। अभी 3% था लेकिन ये 3% जो है ब्रीच हो चुका है, क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जितनी कमाई हो रही है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार ने कम किया तो कमाई भी कम हुई, हालांकि सर खर्चा रुकता नहीं है, एक्सपेंडिचर उतना ही हुआ, उल्टा बजट में एक्सपेंडिचर बढ़ और जाता है तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो जब कॉर्पोरेट टैक्स कट किया तभी 3% वाली लिमिट क्रॉस हो गई थी। तो कई बार इमरजेंसी में जो है क्रॉस कर सकते हैं, उसकी कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, स्टेट्स जो है फाइनेंशियली सही रहे इसलिए 12th जो फाइनेंशियल कमीशन था हमारा, फाइनेंस कमीशन, इसने 2004 में रिकमेंडेशन दी कि स्टेट्स के साथ भी इसको लिंक कर दो, वो भी अपने अपने कानून ऐसे लाएं, अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर लाएं। और जैसे अपना देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैसे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हर एक स्टेट का, उनके 3% तक को टिका दें यहाँ पे, है ना, तो ये जरूरी है। अब केरला ने रिलैक्सेशन इसलिए मांगा क्योंकि केरला को जितना फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया गया था जितना परसेंटेज, वो टूट जाएगा क्योंकि अब बोरोइंग करनी जरूरी है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू के सोर्सेज तो कम हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ क्लोज हैं, टैक्स नहीं आएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट टूटेगा और टूटना जरूरी भी है। तो केरला ने कहा है 2020-21 से 25,000 करोड़ हम लेंगे, 12,500 करोड़ अभी लेंगे, 12,500 करोड़ बाद में लेंगे। फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ था, पहले महीने में इसने जो है डेप्ट उठाने की कोशिश की, हालांकि आधी ये उठा रहा है, इसका मतलब ये कि जरूरी है। और वैसे भी देखो इस लो को जो है स्टेट की बोरिंग कैपेसिटी को हिंडर नहीं करना चाहिए इसे जरूरत के समय में, ये स्टेट अच्छी तरीके से जानता है अगले आने वाले 11 महीनों में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एक महीना जो है हमारा मार्च गया। कोविड-19 को पूरी तरीके से हटाने में पूरा साल चले जाएगा, ख़त्म तो ये हो सकता है, ट्रांसमिशन तो 1-2 महीने में रुक जाए, लेकिन इसके जीरो इफेक्ट तक लाने में हो सकता है पूरा 2020 जो है वो चले जाए। तो सरकार पे पूरी जिम्मेदारी, सरकार कितना पैसा खर्च करती है, प्रोग्राम्स भी चलाने हैं सरकार को, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी भी करनी है, कई चीज़ें होती हैं तो पैसा उठाना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक्ट में सेक्शन 4 क्लोज 2 है जिसमें एस्केप क्लोज है, जिसमें सेंटर जो है वो एनुअल फिस्कल डेफिसिट को एक्सीड नहीं कर सकता, कर सकता है अगर कुछ ग्राउंड्स हो तो, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के कोई मसला हो तो, वार हो जाए, नेशनल कैलमिटी आ जाए, कोई डिजास्टर साइक्लोन टाइफून कुछ भी आ जाए, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाए, जैसे मान लो बारिश आ गई या फिर कोई मान लो मौसम ठीक नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने हो जिसमें भारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए क्योंकि रियल आउटपुट ग्रोथ अगर डिक्लाइन हो रही हो, ये सब चीज़ें जो एस्केप क्लोज में आती हैं कि मतलब ये कंडीशन हो जाए तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा जो है आप ले सकते हो, फिर जो है आप हिसाब से पैसा अपने ब्रिज को तोड़ के डेफिसिट को तोड़ सकते हो। नेशनल जो पेंडेमिक है अभी ये जो पैंडेमिक है नेशनल कैलेमिटी है, और ये जो लॉकडाउन चल रहा है बेसिकली किसी न किसी तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और इकोनॉमिक आउटपुट भी अभी गिर रहा है, तो सेंटर और स्टेट के जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उनको जो है सस्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट को रोकना पड़ेगा, उनको आगे निकलना ही पड़ेगा। सेंटर का 3.13% था ठीक है बजट का, अब जो है वो और आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो फिस्कल डेफिसिट ये जो है पूरा ये है, और पास्ट में कई बार जो ऐसा हुआ है कि ये जो है रिलैक्स हो चुके हैं। अच्छा, इबोला के ड्रग्स कोविड-19 को ट्रीट कर सकते हैं, देखो ग्लोबली अभी तक इतने केसेस हो चुके, 200 दिन हो गए और है ना 6 लाख केसेस हो गए और करीबन जो है 30,000 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। भारत की बात करूँ तो 1,000 से केसेस से हम थोड़ा कम हैं, 24 मौतें हो चुकी हैं और करीब 70 के करीब जो है रिकवर हो चुके हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स ला रही हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया ने दुनिया को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए जो सॉलिडरिटी जो इनिशिएटिव WHO का उसको ज्वाइन किया। इस सॉलिडरिटी जो इनिशिएटिव WHO का, इसके अंदर ड्रग्स खोजे जाएंगे
वैक्सीन और ड्रग में फ़र्क ये होता है, देखो वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से आप देखो कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाती है, कैसे, जो डेड जो फॉर्म होती है वायरस की, डेड फॉर्म, उसको लेके वो बॉडी में डाल देती है ताकि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान जाए। डेड है तो वो असर करता नहीं है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान भी जाता है। तो जब लाइव वायरस आता है कभी तो वो जो उसको रोक लेता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर उसको पता चल गया और इम्यूनिटी सिस्टम उस हिसाब से एक्ट करती है। भाई वायरस क्या है, कोई नई चीज़, बॉडी को पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है, तब जाके वायरस खतरनाक होता है। तो वैक्सीन बनने में WHO के मुताबिक मिनिमम कितना ही तेज़ी से काम कर लो 18 महीने लगेंगे। ड्रग बन सकते हैं, जो पुराने जो ड्रग हैं हमारे जो इबोला HIV मलेरिया को ट्रीट करते हैं, हो सकता है वो काम कर जाए। तो इंडिया ने जो है एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोराइन को अलाउ किया है कि इसको यूज करो ताकि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं कम से कम उनको तो दो, जैसे हेल्थ वर्कर्स, ताकि ये जो है जो किन जिन कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं पर्सन के जिनको COVID-19 हुआ है उनसे बचे रहे। मौत क्यों हो रही है COVID-19 से, क्योंकि देखो COVID-19 डेडली नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पहले से हार्ट की समस्या है, जिनको पहले से जो है फीवर है, तो एक तरीके से COVID-19 ब्लॉक की तरह काम करता है कि भाई ठीक है बीमारी पहले से थी, COVID-19 हुआ तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ होगी, तो एक तरीके से ब्लो होता है कि ठीक है लास्ट जो अटैक हो गया, इसलिए यंग जो है उनकी डेथ नहीं हो रही। अरे वैक्सीनेशन तो 18 महीने लग जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। WHO एंड अदर हेल्थ एजेंसीज आर लुकिंग एफिशिएंसी ऑफ नॉन थेरेपीज एंड ड्रग्स, ऑलरेडी जो हमारे पास थेरेपी है, ड्रग है, उनको एक बार हम टेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ये काम कर जाए। ISMR के हेड ऑफ एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिसीजेज डॉक्टर रमन आर गंगा खेडकर ने कहा कि पूरी दुनिया की जैसे भारत के पास भी कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि समय समय वैक्सीन नहीं बना सकते हम, ट्रीटमेंट नया नहीं ला सकते, अभी हम जो हमारे ड्रग्स ऑलरेडी हमारे पास हैं उनको ही टेस्ट कर सकते हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी ये कहा कि सोलिडरिटी ट्रायल जो इन्होंने निकालने की कोशिश की, इनिशिएटिव है WHO का, याद रखना प्लिम्स के ऑब्जेक्टिव से, जिसमें सारी कंट्रीज मिलके जो हैं अपने अपने ड्रग्स बताएंगे किस तरीके से ड्रग्स का काम जो है हो सकता है, ये ड्रग्स जो हैं ऑलरेडी जिनका इलाज बड़ी बड़ी बीमारियों में हो रहा है वो COVID-19 का इलाज भी कर सकते हैं, ये बात है। अच्छा ड्रग्स कौन कौन से है, एक तो फिल्म्स के ऑब्जेक्टिव से मैं आपको फटाफट बताता हूँ, हाइड्रोक्सीक्लोराइन देखे ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है, ये याद करना एंटी मलेरियल ड्रग है ये, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल लेवल है, अभी तो जनरल पब्लिक को अभी जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज करने के लिए मना किया है, और ड्रग्स की शॉर्टेज ना पड़े इसलिए एक्सपोर्ट भी करना बंद कर दिया। और आप देखो तो एक ड्रग और है रेमडेसिविर जो न्यूज़ में था, ये इबोला को ट्रीट करता है, तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीक्लोराइन वो वाला मलेरिया, रेमडेसिविर इबोला, ठीक है, इबोला के लिए जो है इसको यूज में लिया जाता है, तो ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। क्लोराइन और हाइड्रोक्सीक्लोराइन की आप बताए, आपको एंटी मलेरियल ड्रग है। हाइड्रोक्सीक्लोराइन जो है ये इंडिया में अभी यूज किया जा रहा है और अभी जो है COVID-19 में कुछ पेशेंट्स में यूज किया जा रहा है, पहले WHO ने मना कर दिया था नहीं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया इन ड्रग्स में, तो इसका जो है वापस इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और रिटोनोविर और लोपिनोविर ये ध्यान रखना, ये HIV इन्फेक्शन करता है। अच्छा एक ये ध्यान रख लो, रेमडेसिविर इबोला को और रिटोनोविर और लोपिनोविर ये HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग कॉम्बिनेशन बनाए गए थे, ठीक है। 15% जो हमारे COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइज केयर चाहिए और 5% को ICU केयर चाहिए, तो जो ऑलरेडी जो ड्रग्स हैं हमारे पास उनको यहाँ पे प्रॉब्लम को रोकने के लिए जो है कोशिश की जा रही है कि जो डेडली जो अटैक हो रहा है बुजुर्ग लोगों पे वो ना हो, जो एकदम से जो यहाँ पे मौत की जो समस्या आ रही है उसको रोका जा सके ऑलरेडी जो ड्रग्स हमको यूज में लेके। प्लाज्मा थेरेपी का जो कोशिश की जा रही है कि प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जाए, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में, लॉकडाउन तो नेसेसरी था ही, लॉकडाउन करने के बाद जो डॉक्टर्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ड्रग्स यूज करने का, क्योंकि ट्रांसमिशन फैलता नहीं है, तो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उन पर ड्रग जो है यूज किया जा सकता है।
ऑल शू कैप, यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, बियर और बुल, बियर और बुल का नाम आपने सुना होगा कि भाई बोलते ना स्टॉक मार्केट बियर फेज बुल फेज, बियर मतलब बियर धीरे धीरे चलता है, उसका मतलब जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, अगर धीरे धीरे चल रहा है गिर रहा है तो यहाँ पे बियर हो गया, बुल मतलब कि यहाँ पे बुल आपको पता है तेजी से जो है हाँ मतलब भहका हुआ रहता है हड़का हुआ रहता है, तो यहाँ पे बुल मतलब स्टॉक मार्केट आगे ऊंचा बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है ऑफकोर्स कोविड-19 की वजह से गिर रहा है और काफी ज्यादा पॉइंट्स इसमें गिरावट हुई है। आरबीआई ने जो है ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चीफ ने कह भी दिया कि 2009 से जो फाइनेंशियल रिसेशन आया था उससे ज्यादा रिसेशन, खतरनाक रिसेशन हमारा इस बार का होगा, और आरबीआई ने भी जो है रेपो रेट लॉन्ग टर्म रेपो रेट अनाउंस की है और कटौती की है रेपो रेट में, तो अब स्टॉक मार्केट में देखते हैं किस तरीके से काम होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटीज जो ओवरसीज जो इंडियंस ने रख रखी थी भाई, जो भारत में पैसा निवेश कर रखा था उन्होंने, वो पैसा उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी बेच दी, तो कुल मिला के जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है अभी और 2009 से ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा खतरनाक, हालांकि 2009 से ज़्यादा तेज फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें अभी भी कोशिश की जाएगी आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा कि स्टॉक मार्केट में वापस जो है वापस पहली जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन एक बार जो कोविड-19 कंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।